हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की टीम के बीच में जो ये एशियन गेम्स मेंस T20 का सेकंड सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच 6 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे से जजूट क्रिकेट फील्ड हंगजू जीजिंग चाइना में खेला जाएगा। मैच फॉर्मेट की बात करें T20 का ये फॉर्मेट रहने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो उस मैच की फाइनल टीम होगी वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ। तो इस वजह से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओवरऑल ये बैटिंग के लिए अच्छा विकेट रहता है और यहाँ का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 160 से लेके 180 के बीच में रहा है। और ये विकेट दोस्तों यहाँ पे पेस और स्पिन दोनों अच्छा करते हैं, तो आप लोग ओवरऑल यहाँ पे एक बैटिंग विकेट मान के अपनी टीम बनाना तो आप लोग अपनी यहाँ पे एक अच्छी टीम बना पाएंगे। अब इस वेन्यू पर टोटल 11 मैच खेले जा चुके हैं अभी तक, जिसमें से यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, एक मिनट यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों सॉरी मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया था। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 7 मैच को विन किया है 11 में से और 4 मैच यहाँ पे सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया है, तो आप ये चीज़ भी यहाँ पे देख के चल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्स के बारे में, तो दोनों चीज़ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ताहिर बेग आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, 24 का एवरेज है, लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओपनिंग पर आएंगे और अच्छे बल्लेबाज हैं। ओमर बिन यूसुफ की बात करें 41 का T20 में एवरेज है, लास्ट मैच में 21 बनाए, जल्दी चले गए पर दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा स्टार्स रखते हैं। रोयल नजीर वन डाउन पे आए थे, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, हालांकि ओवरऑल अगर आप देखें तो उतना अच्छा एवरेज नहीं है, सिर्फ 16 का एवरेज रखते हैं, लास्ट मैच में 13 बना के आ रहे हैं। हैदर अली का रिसेंट बहुत ख़राब है, 18 का एवरेज रहा है और लास्ट मैच में भी सिर्फ चार रन बना पाए। कासिम अकरम अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, ओवरऑल देखोगे 18 का एवरेज है, 40 मैच में 17 विकेट भी ले चुके हैं और लास्ट मैच में जिन्होंने सिर्फ 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी जिसमें 2 विकेट निकाले थे और 12 रन्स भी किए थे। कुछ दिल शाह का देखोगे 24 मैच में 309 रन, 21 का एवरेज प्लस 0 विकेट, पर लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराई जिसमें 3 विकेट भी निकाले और 13 रन्स की इन्होंने पारी भी खेली थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, हालांकि बैटिंग करने यहाँ पे काफ़ी नीचे आने वाले हैं। आसिफ अली की दोस्तों बात करें, अच्छे हिटर हैं, फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हो, 15 का एवरेज रखते हैं, लास्ट इनिंग में 25 रन बनाए थे तो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकेंड इनिंग में आप लोग इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। अराफत मन्हस की दोस्तों बात करें, लास्ट में भी पूरी 4 ओवर की बॉलिंग कराई, 25 रन्स भी किए, 2 विकेट भी निकाले, तो लास्ट में काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्म रहा था और ओवरऑल भी देखोगे तो 33 का एवरेज रखते हैं, 9 विकेट भी अभी तक ले चुके हैं 10 मैच में, तो काफ़ी अच्छा किया है। आमिर जमाल लास्ट मैच में दोस्तों इनकी भी काफ़ी बेहतरीन पारी रही थी, पर इनका अगर आप देखोगे तो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे यहाँ पे रहने वाला है, तो इस वजह से अगर आप लोग चाहो तो इस मैच में इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। लास्ट मैच में भी सिर्फ 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी जिसमें विकेट नहीं मिला था और लास्ट मैच में बल्ले से काफ़ी अच्छा कर गए, पर जरूरी नहीं है इनका हर बार जो टॉप ऑर्डर है वो कॉलेप्स करेगा और यहाँ तक बैटिंग आएगी, तो इस वजह से इनको ड्रॉप भी किया जा सकता है। सुफियान मुकीम की दोस्तों बात करें, इनका अगर आप देखोगे लास्ट मैच में पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराई, 2 विकेट भी निकाले। अरशद इकबाल लोग इनको ड्रॉप करेंगे, पर फर्स्ट इनिंग में अगर पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कराए तो इनको आप लोग ड्रॉप मत करना, क्योंकि डेथ में बॉलिंग कराते हैं, लास्ट मैच में भले ही विकेट ना मिले हो पर दोस्तों एक विकेट टेकिंग बॉलर है, 58 मैच में 61 विकेट अभी तक T20 में ले चुके हैं, तो आप यहाँ पे देखें चल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों जिनके बेंच पर प्लेयर बैठने वाले हैं आप लोग उनका भी यहाँ पे स्टार्स देख सकते हो ताकि इनमें से अगर कोई खेलता है तो आपको पता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद अखलाक खेलते भी हैं उतने अच्छे सॉरी यहाँ पे अगर खेलते भी हैं तो उतने अच्छे ये रहेंगे नहीं, ओवरऑल 19 का एवरेज है और रिसेंट भी देखोगे तो रिसेंट हालांकि ठीक ठाक है, 5 पारी में से 2 मैच में अच्छा खासा स्कोर किया है, तो खेलते हैं तो ट्राई आप लोग कर सकते हो, वैसे चांसेस कम है। शहनवाज धनी की दोस्तों बात करें, खेलते हैं इंपॉर्टेंट है, 11 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं, रिसेंट देखोगे तो एवरेज है पर ओवरऑल अच्छे प्लेयर हैं, विकेट टेकिंग है, ये भी डेथ में बॉलिंग कराते हैं। उस्मान कादिर 23 मैच 29 विकेट और रिसेंट भी लगभग ठीक ठाक है। मोहम्मद हसनैन विकेट टेकिंग बॉलर है, 27 मैच में 25 विकेट हैं और रिसेंट भी इनका अच्छा रहा है, तो खेलते हैं तो ध्यान इन पर आप दे सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की टीम के बारे में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अफगानिस्तान की प्लेयर के प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्स दोनों देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ, दोनों ही टीम ने इस सीरीज में अभी तक एक एक मैच खेला है, जिसमें दोनों ही टीम अपना लास्ट मैच जीत के आ रही है। लास्ट मैच यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को हराया और पाकिस्तान की टीम ने हांगकांग को हराया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो यहाँ पे आपको सदिकुल्ला अटल ओपनिंग करते हुए देखेंगे। ओवरऑल देखेंगे उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, 14 का एवरेज रखते हैं। इनको आप लोग जीएल की टीम में ही ट्राई करना। लास्ट मैच में भी सिर्फ एक रन बनाया था। मोहम्मद शहजाद मस्ट पिक रहेंगे, 30 का एवरेज है, 20 लास्ट मैच में बनाए और ओवरऑल दोस्तों अच्छा स्टार्स रखते हैं। T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं ये अफगानिस्तान के लिए, आपको पता ही होगा अच्छे प्लेयर हैं। नूर अली जदरान 27 का एवरेज है, लास्ट मैच में भी 51 रन की पारी खेली, काफ़ी अच्छी पारी थी और अच्छे प्लेयर हैं। शाहिदुल्ला कमल ओवरऑल देखेंगे 39 मैच, 761 रन, 35 का एवरेज, 20 विकेट, ये इनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है। अभी तक इंटरनेशनल मैचेस में खेलने का मौका नहीं मिला है, पर दोस्तों ओवरऑल अच्छे प्लेयर हैं। लास्ट मैच में भी 23 रन बनाए थे और ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हैं। गुलबुद्दीन नाइब अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, 57 मैच में 615 रन है, 18 का एवरेज है, 22 विकेट है। लास्ट मैच में देखेंगे 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कराई, 3 विकेट भी निकाले और 7 रन इन्होंने बनाए भी थे। करीम जन्नत लास्ट मैच में देखोगे 2 विकेट निकाले, 3 करीम जन्नत ने लास्ट मैच में 3 रन बनाए थे, 1 विकेट निकाला, 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी। तो लास्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा था अगर आप देखेंगे। और ओवरऑल भी दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं और ओवरऑल भी अच्छा खासा स्टार्स रखते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सरफुद्दीन अशरफ इनको आप लोग जीएल की टीम में जरूर ट्राई कर लेना, एक ठीक ठाक प्लेयर है। 13 मैच में 35 रन है, 7 विकेट है, तो उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, पर जीएल की काफ़ी अच्छी चॉइस रहने वाले। अफसर जजाई काफ़ी नीचे आ रहे हैं, जीएल में ट्राई करना। काइस अहमद दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, लास्ट मैच में काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई, 4 ओवर पूरे डाले, 3 विकेट भी निकाले। फरीद अहमद का देखेंगे 25 मैच में 32 विकेट अभी तक ले चुके हैं, लास्ट मैच में पूरे 4 ओवर कराए पर विकेट नहीं मिले। पर दोस्तों ये भी विकेट टेकिंग बॉलर है, अफगानिस्तान की टीम के लिए भी रिसेंट में खेलते हैं, आपको पता ही होगा। जहीर खान दोस्तों ओवरऑल देखोगे T20 डोमेस्टिक के 90 मैच खेले हैं, जिसमें 98 विकेट अभी तक ले चुके हैं अपने करियर में, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। इनको आप लोग जीएल की टीम में जरूर रोटेट करना, क्योंकि स्मॉल लीग में लोग लेके नहीं आएंगे, पर जीएल के काफ़ी अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो इनके बेंच पर बैठे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वफीकुल्ला इनका अगर आप देखेंगे लिस्ट के 4 मैच खेले, 136 रन, 34 कैवरेज, पर मेरे हिसाब से अभी मौका इनको मिलेगा नहीं। सैयद सिरजाद 4 मैच में 7 विकेट, निजात मसूद 3 मैच में 4 विकेट, जुबेद अकबरी का देखेंगे 9 मैच में 205 रन, 26 कैवरेज प्लस 9 विकेट, ये भी ठीक ठाक ऑलराउंडर है, अगर मौका मिलता है तो इनका रिसेंट भी यहाँ पे अच्छा रहा है। अल्हा नूर का देखोगे 6 मैच में 73 रन, 24 कवरेज, पर मेरे हिसाब से शायद इनमें सभी किसी को मौका नहीं मिलेगा, बाकी कोई खेलता है तो आप लोग यहाँ पे सबके स्टार्ट देख के चल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलहाल मैंने इस बेंच की आप लोगों के लिए बनाई हुई है। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में मोहम्मद शहजाद को लिया और इनको आप लोग ड्रॉप मत करना, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, एक बार ये टिक जाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से रन बनाते हैं और इंपॉर्टेंट है, तो इनको लेके ही चलना। रोहेल नज़ीर की दोस्तों बात करें, लास्ट मैच में 1 डाउन पे बैटिंग करने आए और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। हालांकि ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी 1 डाउन पे आएंगे तो मौका पूरा मिलेगा, तो इनको आप लोग ट्राई करना चाहो अपनी स्मॉल लीग में भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया। अफसर जजाई काफ़ी नीचे आ रहे हैं, ये जीएल की पिक रहेंगे, जीएल में ट्राई करना। अखलाक खेलते हैं, ठीक ठाक ओपनर है, पर चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैंने खुशदिल शाह को लिया, 4 ओवर भी दिया, अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं, हालांकि बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा नीचे रहने वाला है। नूर अली जदरान आपको 1 डाउन पे देखेंगे, लास्ट मैच में 50 लगा के आ रहे हैं और रिसेंट भी अच्छा रहा है, तो मैंने इस वजह से इनको भी लिया। आसिफ अली को आप लोग फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग इनकी भी काफ़ी नीचे आएगी। इसके अलावा दोस्तों शाहिदुल्ला कमल अच्छे ऑप्शन है, 2 डाउन पर आपको बैटिंग करते हुए देखेंगे, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हो, तो इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। हैदर अली का रिसेंट काफ़ी ख़राब है, इस वजह से मैंने ड्रॉप किया,
है, आप लोग लेना चाहो तो इनको भी बिल्कुल ले सकते हो, टू डाउन पे आपको बैटिंग करते हुए दिखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों ओ बिन यूसुफ को लिया है, एम ताहे बेग को लिया, दोनों ओपनिंग करेंगे, दोनों अच्छे प्लेयर हैं तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को लिया। आप लोग चाहो तो इनमें से भी किसी एक को कम करके यहाँ पे हसन अली या फिर एस कमल के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने इन दोनों को ही लिया है। एस अटल को जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे रहेंगे नहीं, हालांकि ओपनिंग पर आ रहे हैं तो ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी नीचे यहाँ पे कोई खेल नहीं रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो मैंने यहाँ पे नायब को लिया है, मस्ट पिक रहेंगे, चार ओवर देते हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। मिनस की बात करें, लास्ट मैच में पूरे चार ओवर की बॉलिंग कराई और ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए मैं अकरम को नहीं ले पाया हूँ, हालांकि ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, अपने टीम की कप्तानी कर रहे हैं, थ्री राउंड आपको बैटिंग करते हुए देखेंगे, प्लस दो से तीन ओवर की आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं और लास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी इन्होंने किया था। तो अगर आप लोग इनको ले पा रहे हैं किसी प्लेयर की जगह तो आप लोग इनको पिक कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आफ्टर टॉस किसी एक बल्लेबाज को कम करके मैं इनके साथ जा सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया। करीम जन्ना दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छी हिटिंग करते हैं प्लस बॉलिंग भी आपको देंगे। एक जमाल की दोस्तों बात करें, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गए, हालांकि बैटिंग काफ़ी नीचे आने वाली है तो हर बार इनकी बैटिंग नहीं आएगी, मैंने इस वजह से नहीं लिया, हालांकि अगर आ गई बैटिंग तो अच्छा कर सकते हैं। एस अशरफ को जीएल में रोटेट कर लेना, बाकी एम खान जैड अकबरी अभी खेल नहीं रहे। अब यहाँ पर चलते दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने क्यू अहमद को लिया, एस मुकीम को लिया और नीचे मैंने यहाँ पर अरशद इकबाल को लिया। अरशद इकबाल फर्स्ट इनिंग में आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए देखेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, लास्ट में भले ही विकेट ना मिला हो पर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर दोस्तों यहाँ पे मान लो अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करे तो उस केस में हम लोग यहाँ पे मलिक के साथ भी जा सकते हैं, तो जिसकी भी टीम पहले बॉलिंग करे आप इन दोनों में उसको लेके चल सकते हो, क्योंकि जिसकी भी टीम पहले बॉलिंग करेगी वो डेथ में बॉलिंग कराने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैंने इकबाल को लिया पर आफ्टर टॉस में यहाँ पे मलिक के साथ भी जा सकता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी जी नायब को दिया, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे खुशदिल शाह को किया। अब अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे तो आप लोग इनको सीवीसी को रिवर्स भी कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों मेरी ये टीम, अगर इस टीम में कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको मैं टेलीग्राम पे बता ही दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।